एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जितना अमीर था, छोटा उतना ही गरीब। छोटा भाई बहुत दुखी था, क्योंकि उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। छोटा भाई मदद मांगने अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भैया, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी भूख से व्याकुल हैं। कुछ पैसे या अनाज दे दो भैया। मुझे तेरी दुर्दशा पर बहुत तरस आता है, लेकिन मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। बड़े भैया, मैं आपका दिया हुआ धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। अरे वाह, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे खजाना मिल जाएगा और तू मेरे पैसे वापस कर देगा। लेने को ले लेगा, वापस कहां से करेगा। जा, चला जा यहां से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। छोटा भाई अपने बड़े भाई के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन बड़े भाई को उस पर दया नहीं आई। उसने उसे कुछ नहीं दिया, दुत्कार दिया। छोटा भाई दुखी मन से वापस आने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े आदमी ने कहा, इतने दुखी क्यों हो बेटा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर छोटे भाई ने अपनी व्यथा सुनाई। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम मेरा ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर छोटा भाई खुश हो गया और उसकी लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर उठा लिया और उसके घर पहुंचा दिया। बूढ़ा आदमी उसके काम से खुश होकर अपने घर के अंदर गया और एक बंद कटोरी में खाने की कोई चीज ले आया। वो कटोरी उसे देकर बोला, बेटा इस बर्तन में मालपुआ है, इसे लेकर तुम जंगल में जाओ। वहां तुम्हें एक चट्टान दिखाई देगी, चट्टान में एक गुफा है, गुफा के अंदर एक बौना रहता है। ये मालपुआ उसे दे देना, उसे मालपुआ बहुत पसंद है। इस मालपुए के लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन तुम उनसे धन मत मांगना। तब क्या मांगूंगा? तुम कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। मैं पत्थर की चक्की का क्या करूंगा, मुझे तो धन चाहिए। मैं भी अपने भाई की तरह अमीर बनना चाहता हूं। बस मैं जो कह रहा हूं तुम वही करना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है। छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े आदमी ने कहा। चक्की लेकर जब छोटा भाई बाहर जाने लगा तब बौने ने कहा, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, इस चक्की को चलाकर तुम जो कुछ मांगोगे वो चीज निकलने लगेगी और तब तक निकलती रहेगी जब तक तुम चक्की को बंद नहीं करोगे। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल कपड़ा डाल देना, सामान निकलना बंद हो जाएगा। छोटा भाई खुशी खुशी घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने चक्की को आजमाया। उसने चावल मांगा, फिर दाल मांगी। इस तरह खाने का ढेरों सामान उसे मिल गया, जिससे उसके परिवार की भूख मिट गई, घर में खुशहाली आ गई। चक्की से निकला जो भी सामान बचा उसे वो अगले दिन बाजार जाकर बेच आया। इस तरह देखते ही देखते वो अपने बड़े भाई से ज्यादा अमीर हो गया। उसकी तरक्की देख उसका बड़ा भाई जलने लगा। मेरा भाई तो कंगाल था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। ये सोचकर उसने अपने छोटे भाई की अमीरी का राज पता करने के लिए रात को उसके घर में छिप गया और उसने उस चक्की को देख लिया। अगले दिन जब छोटा भाई बाजार गया तो बड़े ने चुपके से घर में घुसकर उस पत्थर की चक्की को चुरा लिया और अपने घर चला गया। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, ऐसी पत्थर की चक्की तो पहले से ही घर में है, तुम इसे क्यों ले आए। अरे ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है, इससे जो मांगोगी सब मिलेगा, अभी दिखाता हूं, लेकिन पहले अंदर से दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि ये चक्की चुरा के लाया हूं ना, अगर छोटा भाई आ गया तो फोल खुल जाएगी। घर में आटा नहीं है, आटा ही मांग लेते हैं। ठीक है, मैं अभी चक्की से आटा निकालता हूं। यह कहकर उसने चक्की को आवाज दी, चक्की चक्की आटा दो,
चक्की से आटा निकलना शुरू हो गया। चक्की चक्की रुक जा, अब और आटा नहीं चाहिए। लेकिन चक्की चलती रही चलती रही। उसके बार बार कहने पर भी चक्की नहीं रुकी। वो दरवाजा खोलकर बाहर नहीं जा पाए और घर के अंदर ही आटे में दबकर मर गए। शिक्षा, लालच और ईर्ष्या बुरी बला है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियोस को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।